हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज हम पढ़ेंगे 9 नवंबर के करंट अफेयर्स। तो बिफोर वी स्टार्ट, एक तस्वीर हम आप सभी को दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर कब आई? ये तस्वीर राष्ट्रपति महोदय ने पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कारों को अभी बांटा है, तो तब ये तस्वीर आपकी आई है। कौन है ये? ये कर्नाटक की 72 वर्षीय आदिवासी महिला हैं, तुलसी गौड़ा, जिनको पर्यावरण की सुरक्षा में उनके योगदान के लिए सोमवार को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये अनाउंसमेंट्स बहुत पहले हो चुके थे, बस अभी अवार्ड किए गए हैं, कन्फर्म किए गए हैं। श्रीमती तुलसी गौड़ा को सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री से नवाजा गया है। वो कर्नाटक की एक पर्यावरणविद हैं जिन्होंने 30,000 से अधिक पौधे लगाए हैं और पिछले 6 दशकों से पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में शामिल हैं। ठीक है, ये तस्वीर काफ़ी कुछ बयां करती है, बस इस वजह से मैंने ये आज के वीडियो में शामिल की। ये करंट अफेयर्स का पार्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये अनाउंसमेंट्स जनवरी में ही हो चुके हैं हमारे। एनीवेज, अगर आप लोगों ने नया टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे सीधे @AMANTRIVEDII सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है कि वर्ल्ड अर्बनिज्म डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? विश्व शहरीकरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 5, 6, 7 या फिर 8 नवंबर को? तो जवाब है आपका 8 नवंबर। 8 नवंबर को वर्ल्ड अर्बनिज्म डे मनाया जाता है। वर्ल्ड अर्बनिज्म डे, जिसे वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे के नाम से भी जाना जाता है, इसे 8 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड अर्बनिज्म डे एक अपॉर्चुनिटी देता है हमारे जो जिस तरीके से हम शहरों की प्लानिंग कर रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, वर्ल्ड अर्बनिज्म डे इज ऑर्गेनाइज बाई इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सिटी एंड रीजनल प्लानर्स। द डे वॉज फाउंडेड इन 1949 बाई लेट प्रोफेसर कैरियोज मैरिया डेला पॉलेरा ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्यूनस एयर्स टू एडवांस पब्लिक एंड प्रोफेशनल इंटरेस्ट इन प्लानिंग। इसका हेडक्वार्टर्स है हेग नेदरलैंड्स में और फाउंड की गई थी 1965 में। ठीक है, चलिए, इसके अलावा नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे भी 7 नवंबर को मनाया जाता है, ये हम लोगों ने कल के वीडियो में पढ़ा था। 8 नवंबर को एक और डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी। तो अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस हर साल 8 नवंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन उन मूल्य के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाता है जो रेडियोलॉजी सुरक्षित रोगी देखभाल में योगदान देता है और स्वास्थ्य सेवा निरंतरता में रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर की महत्वपूर्ण भूमिका को बताता है। इसकी थीम थी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एक्टिव केयर फॉर द पेशेंट। हाल ही में तारक सिन्हा जी का निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? क्रिकेट, एथलेटिक्स, सिनेमा या फिर ऑथर? तो तारक सिन्हा जी कोच थे आपके ऋषभ पंत, आशीष नेहरा जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों के कोच थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी नवाजा गया था। क्रिकेट कोच थे तारक सिन्हा, उनकी हाल ही में निधन हो गया है। प्रख्यात क्रिकेटर और कोच द्रोणाचार्य अवार्डी तारक सिन्हा का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। उन्हें मनोज प्रभाकर, रमन लांबा, अजय शर्मा, अतुल वासन, सुरेंद्र खन्ना, संजीव शर्मा, आकाश चोपड़ा, अंजुम चोपड़ा, रुमेली धर, आशीष नेहरा, शिखर धवन, ऋषभ पंत जैसे भारत के कुछ बेहतरीन क्रिकेटर को प्रशिक्षित करने के लिए जाना जाता है। तो ये काफ़ी बड़ी खबर थी क्रिकेट जगत के लिए। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे के लेखक कौन है? डैमोन गैलगट, सुधा मूर्ति, भास्कर चट्टोपाध्याय या फिर प्रदीप मैगजीन? तो जवाब है इसका भास्कर चट्टोपाध्याय। हमने कल दमन गैलगट पढ़ा था, ये साउथ अफ्रीका के ऑथर हैं जिन्हें बुकर प्राइज से नवाजा गया है फॉर द बुक द प्रॉमिस। और सुधा मूर्ति द सेज विथ टू हॉर्न्स नाम से एक माइथोलॉजी सीरीज है 5 किताबों की, जिसके लिए लिखा जिसके जो इन्होंने लिखी है सुधा मूर्ति इन्फोसिस की चेयरपर्सन है। भास्कर चट्टोपाध्याय ने ये किताब लिखी है और प्रदीप मैगजीन की किताब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। भास्कर चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित किताब द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे एक किताब है। लेखक भास्कर चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित और वेस्टलैंड द्वारा प्रकाशित द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे नामक एक नई पुस्तक महान भारतीय फिल्म निर्माता सत्यजीत रे के जीवन का विवरण देती है। भास्कर चट्टोपाध्याय ने पतंग 2016, हियर फॉल्स द शैडो 2017 में, द डिसअपीयरेंस ऑफ सैली सिक्वेरा 2018 जैसे उपन्यास भी लिखे हैं। इसके अलावा प्रदीप मैगजीन की भी किताब आई है नॉट जस्ट क्रिकेट। तो प्रदीप मैगजीन की किताब है नॉट जस्ट क्रिकेटर, क्रिकेट अ रिपोर्टर्स जर्नी। प्रदीप पत्रिका द्वारा लिखित नॉट जस्ट पत्रिका नहीं मैगजीन का नाम ही है, नॉट जस्ट क्रिकेट द रिपोर्टर्स जर्नी शीर्षक वाली किताब दिसंबर 2021 में रिलीज होने वाली है। इसमें पत्रकार प्रदीप मैगजीन द्वारा भारतीय क्रिकेट के जीवन के अनुभव, सामाजिक राजनीतिक उचार चढ़ाव को शामिल किया गया है। वह नॉट जस्ट क्रिकेट पुस्तक के लेखक है जिसमें मैच फिक्सिंग कांड को उजागर किया गया है। ठीक है, अब प्रदीप जर्नीज
प्रदीप मैगजीन एक क्रिकेट लेखक स्तंभ कॉलमनिस्ट हैं, द पायनियर, इंडिया टुडे, ई पेपर और हिंदुस्तान टाइम्स के पूर्व लेख खेल संपादक रहे हैं। उन्होंने 1979 में द इंडियन एक्सप्रेस के चंडीगढ़ संस्करण के साथ अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की थी। तो इसके बारे में इन्होंने बात की और ये फिक्सिंग कांड के बारे में इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसको खुद उजागर करने वाले हैं। TCS जगुआर फॉर्मूला ई टाइटल पार्टनर बन गया है। TCS बिकम्स जगुआर्स फॉर्मूला ई टाइटल पार्टनरशिप। TCS ने ब्रिटिश रेसिंग टीम जगुआर रेसिंग को एज अ टाइटल पार्टनर के रूप में ज्वाइन किया है। 2021-22 ABB FIA फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है। द टीम विल बी नोन एज जगुआर TCS रेसिंग। TCS एंड जगुआर विल क्रिएट अ डायनेमिक प्लेटफॉर्म दैट विल ड्राइव रिसर्च एंड इनोवेशन वाइल स्टीयरिंग टूवर्ड्स एडवांस कंसेप्ट एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी। तो कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे चलने वाली गाड़ियाँ हैं, इसलिए इसमें TCS ने हाथ मिलाया है। द रीब्रांडिंग ऑफ द टीम ऑल्सो ब्रिंग्स ऑल न्यू लिवरी ऑफ 2022। ठीक है, चलिए। इसके अलावा SBI ने वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट फैसिलिटी को लॉन्च किया है पेंशनर्स के लिए। देखिए होता क्या था, पेंशनर्स को जाके अपना अंगूठा लगाना पड़ता था और ये सबूत देना पड़ता था कि आप जीवित हैं, क्योंकि कई बार ऐसे पहले घोटाले हुए जब व्यक्ति जीवित नहीं रहा और लोग उसकी पेंशन लेते रहे, या फिर किसी बाबू ने ही इस तरीके की घोटाला कर दिया। तो इसलिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट ये एक फैसिलिटी आ गई जिसके थ्रू आप सिर्फ कॉल करके, वीडियो कॉल के जरिए आप अपनी जीवंतता का प्रमाण दे सकते हैं और आपको पेंशन मिलती रहेगी। तो ये सर्विस SBI ने लॉन्च की है। SBI के चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खरा, हेडक्वार्टर है मुंबई में और 1 जुलाई 1955 को ये बनी थी। ठीक है, चलिए। 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये करामाती खान एक ही हैं हमारे, राशिद करामाती खान, आकाश चोपड़ा की लैंग्वेज में बोलें तो राशिद खान ने फास्टेस्ट 100 ODI विकेट्स भी लिए हैं। 400 T20 विकेट्स लेने वाले यंगेस्ट बॉलर बन गए हैं। शाहीन अफरीदी यंगेस्ट 100 T20 विकेट्स लेने वाले बॉलर हैं, ये भी वर्ल्ड कप में ही बने हैं। जसप्रीत बुमराह 9th फास्टेस्ट 100 ODI विकेट्स लिए हैं और मोहम्मद शमी 8th फास्टेस्ट 100 ODI विकेट्स लिए हैं। जसप्रीत बुमराह 20 जो आपके यंग इसमें शाहीन अफरीदी के बाद हैं और इसमें 23rd की एज में इन्होंने ये किया था। ठीक है, तो राशिद खान बिकम्स यंगेस्ट बॉलर टू टेक 400 T20 विकेट्स। और अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी टीम के महत्वपूर्ण सुपर 12 मुकाबले के दौरान 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज बन गए। मार्टिन गप्टिल T20 क्रिकेट में राशिद के 400वें शिकार बने। राशिद क्रिकेटरों की विशेष सूची में शामिल हो गए हैं क्योंकि उन्होंने न्यूजीलैंड बनाम अफगानिस्तान की T20 विश्व कप में खेल अपना 400वां विकेट लिया है। ड्वेन ब्रावो 553 विकेट ले चुके हैं। सुनील नारायण 425, इमरान ताहिर 5,420 के बाद 400 क्लब में प्रवेश करने वाले चौथे गेंदबाज बने हैं। इससे पहले राशिद पाकिस्तान के खिलाफ T20 विश्व कप 2021 के मैच में 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 आउट करने वाले सबसे तेज गेंदबाज में भी बन गए थे। राशिद ने अफगानिस्तान के लिए 103 विकेट और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 93 विकेट्स लिए हैं, जबकि दुनिया भर में विभिन्न T20 टूर्नामेंट में खेलों के लिए टीम के लिए आते हैं। ठीक है, तो ही इज ऑब्वियसली ए फैंटेस्टिक बॉलर। इसके अलावा मनु भाकर जो हमारे शूटर हैं और जावेद फोरोरी ने उद्घाटन प्रेसिडेंट्स कप में स्वर्ण पदक जीता है। भारत की महिला पिस्टल स्टार मनु भाकर और ईरानी ओलंपिक चैंपियन जवाद फरोफी ने पोलैंड में व्रोकला में IFS प्रेसिडेंट्स कप में उद्घाटन में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्वर्ण पदक जीता है। भारत ईरानी जोड़ी ने मैथिल्डे लमोले और आर्टेम चेर्नोसोव की फ्रांसीसी रूसी जोड़ी को 16-8 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो भारत के थे मनु भाकर, इंडिया से थी, और ये आपके जावेद फरोफी ये आपके ईरान से हैं। तो इन दोनों की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है इनॉग्रल प्रेसिडेंट्स कप में। इसके अलावा हमारे यूनियन मिनिस्टर, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जम्मू कश्मीर में पकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का इन्होंने उद्घाटन किया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के मरुसुधर नदी के डायवर्जन का वस्तुतः उद्घाटन किया है। पाकल दल विजल विद्युत परियोजना का निर्माण चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत विकास लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये उद्घाटन इन्होंने किया है पाकल दल इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का। इसके अलावा बंधन बैंक ने जुबीन गर्ग, जो कि असम के एक पॉपुलर स्टार हैं, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बंधन बैंक ने असम में लोकप्रिय असमिया और बॉलीवुड गायक जुबीन गर्ग को बैंक का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। यह जुड़ाव बंधन बैंक के लिए एक मील का पत्थर है क्योंकि पहली बार है जब बैंक ने 6 साल पहले अपनी स्थापना के बाद
किसी ब्रांड एम्बेसडर के साथ जुड़ाव किया है। इस एसोसिएशन की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए जुबीन ने अपना नया संगीत वीडियो जारी किया, जो कि असमिया संस्कृति और विरासत के विविध तत्वों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और बंधन बैंक का मुख्यालय है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। बैंक की स्थापना 2001 में हुई थी और एमडी और सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष। उत्तराखंड कह रहा हूँ, यूके, यूनाइटेड किंगडम ने अपना महात्मा गांधी की याद में 5 यूरो का एक कमेमोरेटिव क्वाइन जारी किया। द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम हैज अनवेल्ड 5 यूरो क्वाइन टू कमेमोरेट द लाइफ एंड लिगेसी ऑफ महात्मा गांधी। इट इज द फर्स्ट टाइम महात्मा गांधी हैज बीन कमेमोरेटेड ऑन एन ऑफिशियल यूके क्वाइन। द क्वाइन इज अवेलेबल इन अ रेंज ऑफ स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग गोल्ड एंड सिल्वर। द स्पेशल कलेक्टर्स क्वाइन वॉज डिजाइन बाई हीना ग्लोवर। ऋषि सुनक चांसलर ऑफ द यूके शोज द फाइनल डिजाइन ऑफ द क्वाइन। द क्वाइन फीचर्स एन इमेज ऑफ लोटस, इंडियाज नेशनल फ्लावर, अलॉन्ग साइड वन ऑफ द गांधीज मोस्ट फेमस कोट्स, माई लाइफ इज माई मैसेज। इसके अलावा प्रियंका मोहिते को 2020 का तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला है। तेंजिंग नॉर्गे वो पहले व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी। महाराष्ट्र स्थित 28 वर्षीय पर्वतारोही प्रियंका मोहिते को युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा भूमि साहसिक के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार, राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया था। उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, माउंट लोहत्से और माउंट मकालू को फतह किया। वो दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। इसके अलावा त्रिपुरा ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट और स्टंप विकसित किया है। त्रिपुरा के बांस और केन विकास संस्थान ने नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर क्रिकेट बैट के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले सभी मानक प्रोटोकॉल को बनाए रखते हुए देश का पहला बांस से बना क्रिकेट का बल्ला विकसित किया है। ठीक है, इसका इस्तेमाल क्रिकेट के सभी प्रयोगों में किया जा सकता है। क्रिकेट के बल्ले के उत्पादन की सबसे पसंदीदा लकड़ी विलो है। कंपनी के सीईओ के मालिक हाल ही में विप्लव कुमार देव को उत्पाद का प्रदर्शन किया है। सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किस विश्व नेता को प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एंजेला मार्केल, सिंजो अबे, व्लादिमीर पुतिन या फिर बराक ओबामा? तो जवाब है सिंजो अबे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री सिंजो अबे को 8 नवंबर 2021 को सार्वजनिक मामलों क्षेत्र में उनकी प्रमुख उपलब्धियों के लिए वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण भारत के बाद भारत रत्न का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ऑलराइट, सो लेट्स कीप इट क्लियर। आई होप जितना पढ़ाया आप सभी को समझ में आया होगा। और टेलीग्राम चैनल नया ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी ग्रेट डे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।